गाइस अभी हम लोग सिसु से एकदम से हम लोगों ने व्यू टर लेकर पहुंच गए हैं रोहतांग। पहले तो हम जा रहे थे होटल में, तो एकदम से हमारा प्लान बन गया कि हम लोग ना जाके एक मिनट तो हमारा प्लान बन गया कि हम लोग रोहतांग चले जाते हैं। सो अभी रोहतांग की हमने परमिशंस वगैरह ले ली, अब टैक्सी से ऊपर जाएंगे और सामान हमारे पास सारा कुछ ले लिया जो इम्पोर्टेंट ज़रूरी चाहिए होता है, ऊपर पहुँचते हैं। ठंड बहुत आए इधर, यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे जाके, वहाँ से ड्रेस लेंगे। वो आगे आगे जाके दिखाती हूँ गाइस। ओ जीजू उल्टी आ रही है, ओए एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं? इसको ना मन खराब होता है इसका। सो अभी हम लोग बैठ चुके हैं हमारी जिप्सी में, एकदम ऊपर ही रखियो के अंदर, ठीक है। हाँ बस ये देखना हमारे यहाँ से अब हम लोग निकलने लगे हैं ये। चलो भाई चले रोहतांग फाइनली। गंदी होगी ना, हाँ पकड़ के बैठ। आर्मी बंदे हैं एडा भाई फौजी, और नहीं तो फौजी पुलिस की ना ये पावर चीज ही है। नहीं नहीं कम मोटा हो गया बिहारी पर कम फौजी ना, अभी बेचारे छुट्टियों में आए हैं फौजी साहब हमारे। हाँ कश्मीर जा रहे हैं अगले महीने, ड्यूटी है इनकी। आ चुके हैं यहाँ पे रोहतांग में पहुंच गए। चलो बच्चे को करो देखो, एक मिनट ही पकड़ना, मैं इसको पहले ड्रेस पहना दूँ। चल फटाफट पहन ले, फिर बता। क्या हो गया रेडी? क्यान को पूरा तैयार कर दिया हम लोगों ने, बेचारा ठंड लगी उसे। चल चल बस बेटा हो गया, गुड बॉय। रोहतांग में ठंड तो है भाई साहब, बहुत ठंड है, पर यहाँ का वेदर देख के मजा आ गया हमें बहुत ज्यादा। गाइस फाइनली हम रोहतांग में बर्फ में पहुंच चुके हैं, बट मैं बता दूं यहाँ पे ना रश बहुत ज्यादा होगी, बर्फ बहुत गंदी होगी। चलो ऊपर चलते हैं, ठंड बहुत है पर ना एक ही है कि बारिश पड़ रही है अच्छा है, लेकिन बच्चे के साथ मुश्किल है, बट मेरा बच्चा बहुत अच्छा है मैनेज कर लेता है। और चले ऊपर, बारिश ना होती ना तो ज़्यादा मज़ा आता है बर्फ इंजॉय करने में एक्चुअली। तो ऊपर चलते हैं, तो पूरी ड्रेसेस देखो। से वापस आ गया, वहाँ पे तो इतनी तेज बारिश होने लगी, तो अभी यहाँ पे कोई व्यू पॉइंट नहीं, यहाँ पे हम रुके हुए हैं और अंदर शिवम आराम कर रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत हो गई है बहुत ज्यादा खराब। ठंड है यार बहुत ठंड है। ये देखो अंदर शिवम ना बेहोश हो चुके हैं और इधर हम लोग सारे इधर व्यू देख रहे हैं यहाँ का। सब एक्चुअली यहाँ पे ना खड़े हुए थे तो हमने सोचा हम भी ब्रेक ले लेते हैं व्यू पॉइंट में। हेलो किधर जाना है आपने, किधर लेके जा रहे हो भैया हमें? हेलो हाँ किधर जा रहे हैं? मनाली। माली माली ओके बेबी चलो 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 फटाफट फटाफट खाना अच्छा लगाएगी मम। सो गाइस फाइनली हम लोग अपने रूम में आ चुके हैं और क्यान और हम लोग सोने। सो मैंने अभी क्या कर लिया कि कल के कपड़े सारे वगैरह निकाल के रख लिए हैं ताकि मुझे मॉर्निंग में ना थोड़ा टाइम मिल जाए। ओके सो मैं कल आराम से ही उठूँगी क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठी थी। तो अभी हम लोग घूम फिर कर आ गए, मौसम बहुत अच्छा हो गया तो सोने, तो मैंने सोचा व्लॉग भी ख़त्म कर दिया जाए। तो बाय बाय मिलते हैं कल। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू
इसलिए मैं पी रही हूँ अभी ये कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। तो मेरा भी कुछ सवेरे सवेरे कुछ पीने का मन था, मैं सोचा चलो यही पी लेती क्योंकि मुझे मिला थोड़ी देर तक ना आऊँगी, उसके बाद नीचे जाना है हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आज हमने जैसे निकल जाना है, निकलने से पहले हम लोग सोच रहे थोड़ा घूम कर निकलेंगे मनाली साइड, मतलब हम थोड़ा मनाली के आउटर में स्टे कर रहे हैं तो अंदर मनाली में गए नहीं है घूमने। और सुबह सुबह वैसे यहाँ पे आवाज़ें सुनना बर्ड्स की कितनी अच्छी आ रही है, ची 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 नहीं रही है। और मौसम बहुत धूप आ गया यार, पहले तो कल तक एक्चुअली जब हम उतार गए तो रास्ते में बारिश थी और मेरे ख्याल से इस साइड भी बारिश हुई थी क्योंकि ना बहुत ठंड लग रही थी, पर मुझे लगा था शायद सुबह भी अच्छा होगा वेदर, लेकिन बहुत गंदी धूप आ चुकी है। और ये दोपहर तक ये धूप इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, बहुत बुरा हाल है एक्चुअली हिमाचल का भी, गर्मी इधर भी बहुत ज़्यादा आ गई है। और साथ में जो ये रिवर बढ़ती है ना, मेरे को तो बहुत इतनी अच्छी लगती है ना हमारे होटल से बाहर देखते हुए, इसका ना व्यू भी बहुत अच्छा है सी। चलो अभी मैं कर रही हूँ मेरी कॉफ़ी इंजॉय, ये वाली इसको खोल लेती हूँ। अभी तक तो क्यान सो ही रहा है और मैं इसे सोते सोते इसके सारे कपड़े निकाल देती हूँ। सो ये डालेगा ये वाली जीन्स, ये कॉटन की शर्ट। पहले मैं कंफ्यूज थी कि इसको गर्म कपड़े पहनाऊँ, लेकिन बाहर इतनी तेज़ धूप देखने के बाद तो इसको नॉर्मल ही कपड़े पहनाती हूँ क्योंकि इसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और ये अंदर मैंने निकाल रखे हैं हमारे कपड़े जो मैंने डालने हैं, शिवम ने डालने हैं। और ये जो पॉलीथीन है ना, यहाँ पे रखती हूँ मैं मेरे गंदे कपड़े जो हमने यूज़ कर लिए होते हैं, जो पहन लिए हैं। और बाकी ये अभी सूटकेस में ना सारे वो कपड़े जो हमने पहने नहीं हैं। और आप ये देखो मैं कितने एक्स्ट्रा कपड़े ले आती हूँ। चलो भाई रौंद। सो अभी हम लोग रेडी होकर आ गए अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आज यहाँ पे टेबल पे सर्व होगा, कल लगा था बफे लेकिन आज टेबल पे सर्व होगा। क्यान बैठा है टेबल पे, क्यान नीचे आ जाए इधर। सब हम लोग करने लगे हैं होटल से चेकआउट। और किधर जाना है आपका, क्या प्लान है पता है? अरे यार अब कहीं नहीं जाना, राफ्टिंग चलो अब अपने ये चला गया ना रोहतांग, इसलिए कह रहे हैं ये रोहतांग घूम आया, इसलिए अब इसको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इधर आ जाओ, गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ा देंगे ये लोग। चलो भी अब हम निकलते हैं इस होटल को, बाय बाय। अब दीदी कब आना मनाली, कभी नहीं? कैसा रहा एक्सपीरियंस? गर्मी वाला ना, पर मैं एक सजेशन दूंगी, जून में तो मत ही आना यार, कोई हम भी आके पछताए हैं। ज़्यादा बर्फ में मैं नहीं आ सकती। हाँ दीदी सॉरी बड़े हैं। सो गाइस अभी हम लोग रुके हैं एक एडवेंचर स्पॉट पे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, पता नहीं क्या नाम है, अंदर जाके देखते हैं क्या है। ये देखो खुश हो गया, क्या खुश हो गया। चलो दीदी ले जाओ, चढ़ जाऊंगी, आप लोग चढ़ो, देखो किधर किधर जाना है, जाओ क्या। ओए होए होए बस अब ये खुश है। हाँ इधर बहुत ज्यादा धूप है, आगे देख लेते हैं। मोटे किधर जाना है, क्या करना है? ये वाला पूछ लो ना, ये कर लेते चिपक जाते इसमें यार, कुछ फन होता है, लटक जाऊंगी मैं। ओ देखो, ओ देखो देखो ये सही है। हाँ क्या दीदी ले गए अंदर उधर, आप भी चले जाओ, मैं ये कर लेती हूँ। हम लोग ना यहाँ से निकल रहे हैं बिकॉज है तो ठीक है, अगर छाव होती तो ज़्यादा बढ़िया था, धूप इतनी ज़्यादा है जो वो है ना क्या बोलते हैं उसको, हॉट एयर बलून वो भी ज़्यादा हाइट तक नहीं लगा हमें, इसलिए हम वापस आ रहे हैं। और बाकी जो बच्चों वाले वो थे वो इतने ज़्यादा गर्म थे, इतने ज़्यादा गर्म थे तो उस पर तो क्या बैठाना मुश्किल है। सो गाइस अब हम लोग रुके हैं यहाँ पे राफ्टिंग के लिए, तो राफ्टिंग करेंगे। और आरब का नहीं है, अलाउड नहीं है, आई थिंक आरब का अलाउड नहीं हुआ क्योंकि वो
18 इयर्स का भी नहीं हुआ ना, इसलिए चलो भाई चले दिखाएंगे।